हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो इस क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको एक लेंस की फोकल लेंथ निकालना है एंड उस लेंस का पावर जो है वो हमको पता है, वो है -2.0 डायोप्टर। एंड आपको ये बताना है कि जो लेंस दिया गया है वो लेंस किस टाइप का है, यानी कि वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है लेंस ऑफ पावर, और हमने ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लेंस ऑफ पावर का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है P=1/F, यानी कि पावर ऑफ लेंस (1/focal length in meter). ओके, इतना पता है आपको। तो देखिए हमारे पास जो पावर ऑफ लेंस है वो पता है कितना है, -2.0। तो इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे यहां पे P के बदले, पावर ऑफ लेंस के बदले, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा सिंपली -2। ओके, पावर के बदले रख दिए -2=1/, और फोकल लेंथ जो है वो हमको निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, हमको फोकल लेंथ निकालना है तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, एंड -2 को उधर भेज देंगे तो अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप या तो वैल्यू पुट अप करने के बाद भी कर सकते हैं, या फिर यहां जैसे दिखाया गया कि P को उधर ट्रांसपोज कर दिया गया है और F को इधर ला दिया गया है, तो F=-1/2 आएगा। यहां ऐसे करेंगे तब भी F=-1/2 आएगा, एंड 1/2 को सॉल्व करने पे आएगा 0.5, और माइनस साइन है। तो इस तरीके से फोकल लेंथ जो है वो -0.5 मीटर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप सिंपली क्या करेंगे, यहां पे फोकल लेंथ को इधर भेज देंगे, -2 इधर ला लेंगे, तो 1/-2 हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5, और माइनस है तो -0.5 हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। तो फोकल लेंथ हमने निकाल ली है स्टूडेंट्स। अब ये बताना है कि जो लेंस है वो किस टाइप का है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो डायग्राम देखते हैं जहां पे हमने ऑलरेडी डील कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए ये आपके पास जो सामने दिख रहा है ये कॉनकेव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। और ये हमने आपको पहले ही बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि जो कॉनकेव लेंस का जो मेन फोकस होता है वो F1 होता है। ओके, यानी कि ये वाला होता है जो कि इस लेंस के नेगेटिव साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो इसका जो मेन फोकस होता है वो राइट साइड पे, यानी कि F2 होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रही है, जैसे कि इस आंसर में आ रहा था -0.5 मीटर, तो बेसिकली स्टूडेंट्स जब भी आपको फोकल लेंथ माइनस में दिया रहेगा तो वो हमेशा क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा। लेकिन अगर आपके पास फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये हमने पहले भी आपको बता चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली आंसर बताएंगे कि क्योंकि यहां पे हमको पता है कि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव होती है, इसी वजह से ये हम बोल सकते हैं कि कॉनकेव लेंस है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।